माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए संचालित वर्चुअल क्लासेस और ई ज्ञान गंगा के माध्यम से दी जा रही शिक्षा के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन जुबली इंटर कॉलेज के सभागार में आयोजित किया गया। बैठक में मुख्य रूप से CDO इंद्रजीत सिंह, संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह, DIOS ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया सहित अन्य अधिकारी और संबंधित शिक्षक मौजूद रहे। कार्यशाला में शिक्षकों को बताया गया कि वर्चुअल क्लास के साथ छात्रों को कोरोना के प्रति भी जागरूक किया जाए। इसके बाद CDO सहित अन्य अधिकारियों ने वर्चुअल क्लास के लिए तैयार किए जा रहे पाठ्यक्रमों के संबंध में भी जानकारी हासिल की। गौरतलब है कि माध्यमिक विद्यालयों में लॉकडाउन के दौरान विद्यालय बंद होने के कारण सत्र को नियमित करने एवं छात्र हित में पठन पाठन सुनिश्चित किए जाने हेतु व्हाट्सएप ग्रुप एवं वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से ऑनलाइन पठन पाठन दूरदर्शन एवं भारत सरकार द्वारा संचालित स्वयंप्रभा चैनल पर प्रकाशित किए जा रहे हैं। इसके बाद अब वर्चुअल स्कूल प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इसके संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह तथा मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, इस संदर्भ में सर, हम लोग आपके मार्गदर्शन के लिए आकांक्षी हैं। कोरोना को एक तो हमें वैसे भी हराना है, लेकिन उसको सफल नहीं होने देना। हमें कोई भी अपना सिस्टम जो है डिसरप्शन से, एक तो कम से कम डिसरप्शन, कम से कम वो हमें ध्यान दे। दूसरा, हमें नए नए तरीके ढूंढने हैं जिससे हम लोग ये और बेहतर कर सकें। जो आप कर रहे हैं, ये आज से एक साल पहले कितना टेक्नोलॉजी का यूज पॉसिबल नहीं था, जितना कोरोना काल में आप लोगों ने कर दिखाया। आज वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग से हम पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स का प्रयोग कर रहे हैं, DD जो हमारा उत्तर प्रदेश का चैनल है उसका आज से शुरू हो गया है। तो बस मुझे यही कहना है कि ये सब चीज़ों को हर बच्चे और हर अभिभावक तक आप जरूर पहुँचाइए, और जो मेरे ऑफिस का सहयोग होगा हम पूरा आपको प्रदान करेंगे। और मेरे लिए एज ए CDO और मेरी अगर टॉप प्रायोरिटी की जो प्रोग्राम्स है उसमें एजुकेशन सबसे ऊपर है, उसमें बेसिक भी है और जो हमारे स्कूल एजुकेशन भी है। इससे पहले मेरा स्कूल एजुकेशन के जितने प्राइवेट टीचर हैं वो 2-3 दिन पहले उनसे संवाद हुआ, तो वो लेकिन कोरोना को लेकर था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ एक जागरूकता भी लाइए कि कोरोना से कैसे लड़ा जा सकता है। कोरोना का जो अभी तक के एक्सपीरियंस के बाद उसको मैनेज करना बहुत आसान है, बस यही है कि टाइमिंग भी पता लग जाए, टाइमिंग भी टेस्ट हो जाए, और टेस्ट के बाद वो एक डॉक्टरी सलाह के अंदर आ जाए तो कोरोना आराम से हराया जाए। जब इसमें डिले हो जाता है, मान लो कोरोना हो गया 10वें दिन 15वें दिन पता लग रहा है, तब ये नुकसानदेह, अदरवाइज नहीं। हाँ, इससे पहले मैं इटावा में था तब भी इसमें काम कर रहे थे, और गोरखपुर में मुझे, मैंने 1 अगस्त को ज्वाइन किया था, तब से मैं लगातार इसमें काम कर रहा हूँ। मेरा जो अनुभव यही है कि कोरोना अगर टाइमिंग की पता लग जाए और इसके जो दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए हैं उसको फॉलो कर लिया जाए तो इसको बहुत आसानी से हराया जा सकता है। क्या और अच्छी डाइट ली जाए, न्यूट्रिशन प्रोटीन रिच डाइट ली जाए तो इसको आराम से हरा जाए। और अपने ऑफिसर्स के थ्रू आ सकते हो जैसा आपको सही लगे, और अगर आप कोई इनोवेशन करते हो इसमें आपको मेरा सहयोग चाहिए वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ है ये तो पता ही होगा कि 40-45 सालों से शहर में है, मगर हमने जब कोविड देखा और उसके साथ जो लगे हुए चीज़ें हैं और एजुकेशन सिस्टम से फिट हो रही, हमने उसमें सबसे बड़ा कदम यही उठाया कि हमने चंदौत में एक लर्निंग स्टूडियो बनाया है, जिससे रोज़ सुबह 8 से लेकर 12:30 बजे तक लगभग 45 क्लासेस लाइव स्ट्रीमिंग की डिलीवरी होती है सर, जिसमें कि हमने ये खास तौर से कोशिश की है कि कोई भी यूट्यूब या व्हाट्सएप के जरिए न पढ़ा के हम वर्चुअल क्लास, जो माननीय सेन साहब ने भी कहा है, उसका उपयोग करें और बच्चों को लाइव टेलीकास्ट से जो हाथ उठा के सवाल पूछने का उनका अमूमन तौर पर नॉर्मल स्कूल में रहता है वही चीज हो सके। और इसमें हम बैठे रहिए साथ, मैं भी देखो क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक देखा।
मतलब करो शुरू यार, थोड़ा मैं समझ पाऊँ क्या है नोट सिक्स। लेकिन मुझे इसको बहुत सीरियसली स्टडी करना, इसको स्केल अप कैसे कर रहा है उसका वर्क करेंगे, मतलब थोड़ी इससे छूटा रहा है। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मनोरंजन के साथ साथ आप मनोयोग से अध्ययन भी कर रहे होंगे, आइए अध्ययन के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कक्षा में आपने पीड़ा की गायिका महादेवी वर्मा को पढ़ा, काव्यखंड के अंतर्गत उनके काव्य वर्षा सुंदरी और हिमालय के बारे में आपने पढ़ा था। प्यारा स्वदेश, आगे बच्चों आज काव्य के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सभी पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता पढ़ते हैं। ये ऑनलाइन वर्चुअल स्कूल जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, उसके विषय में हम लोग वीडियोज़ भी तैयार कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि ऑनलाइन वर्चुअल स्कूल के विषय में सभी बच्चे हमारे अवेयर हों और उनके तक शिक्षा पहुंचे। और इसके लिए ऑनलाइन वर्चुअल स्कूल के लिए स्वयं प्रभा चैनल 22 नंबर और DD उत्तर प्रदेश के माध्यम से प्रसारण हो रहा है। स्वयं प्रभा पर 9वीं और 11वीं की कक्षाएं संचालित होंगी और DD UP पर 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित होंगी। इनका टाइम शेड्यूल है और उस टाइम शेड्यूल से हम समय समय पर हर शुक्रवार को लोगों को अवगत कराते रहेंगे कि अगले सप्ताह के कार्यक्रम क्या होंगे। और मैं ये चाहूँगा कि सभी हमारे प्रिंसिपल, सभी टीचर उनके साथ जुड़े। निर्देश ये है कि स्कूलों में भी उस निर्धारित समय पर वीडियो चला करके, टीवी चला करके, टीवी को ऑन करके हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल उसका कार्यक्रम को देखें ताकि बच्चों को वो गाइड कर सकें और अच्छे से गाइड कर सकें। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनके माध्यम से जुड़ करके, जूम ऐप के माध्यम से जुड़ करके उनकी समस्याओं का निराकरण करें और उनको अगर कोई कठिनाई आ रही है तो उसको भी बताएँ और उनका मूल्यांकन करें। ये प्रयास है कि हम समग्रता के साथ एक वर्चुअल स्कूल के माध्यम से अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। स्कूल की जो वीडियो पहुंच रहे हैं टीवी चैनल पे या वर्चुअल क्लासेस में, उसकी रिकॉर्डिंग और उसकी टीचर कहाँ से ले रहे हैं? जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसको हमारे प्रदेश स्तर से ही कुछ जनपदों को, कुछ मंडलों को वो कार्य बांट करके आवंटित किए गए हैं। गोरखपुर मंडल में हमारा गोरखपुर जनपद इसमें लीडिंग रूप में काम कर रहा है और हमने जुबली को अपना केंद्र बिंदु बनाया है। और इसके लिए अभी आपने देखा भी कि हम एक क्लासरूम बनाए हैं और उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स लगाए हैं और कैमरे लगाए हैं और उस पर हमारे टीचर्स पूरी तरह से तैयार होकर के आते हैं। वो अपना PPT भी लाते हैं और उस PPT के माध्यम से उनको पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं और जो उनकी हम वीडियो तैयार करते हैं उस वीडियोज़ को हम भेजते हैं। उस वीडियो का हमारे प्रदेश स्तर पर परीक्षण होता है, प्रदेश स्तर से परीक्षण होने के बाद वो वीडियो जाती है NCERT स्तर पर, उसका परीक्षण होता है। सबसे बड़ी बात यह कि NCERT उसका परीक्षण करती है और वो जब अपने नाम और नियमों के अनुरूप उसे पाती है तभी उसको दिखाए जाने की संस्तुति देती है, तभी वो वीडियो दिखाया जाता है। अगर उसमें कोई कमी होती है तो वो हमें वो वीडियो पुनः वापस कर देते हैं और हम उसे संशोधित करके उनको देते हैं, तभी वो वीडियो को दिखाते हैं। इसके सब्जेक्ट का यहाँ पे इसमें हम लोगों ने इंटरमीडिएट के लेवल पर जो हमारे विज्ञान वर्ग के सभी सब्जेक्ट हैं कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इंग्लिश, हिंदी और आर्ट्स में अभी हम नागरिक शास्त्र और भूगोल इन विषयों को लेकर के और गृह विज्ञान, संस्कृत, इतने विषयों को हम तैयार करा रहे हैं। कॉमर्स के विषय हम लिए हुए हैं, कॉमर्स पूरी तरह से तैयार करा रहे हैं और 9वीं 10वीं में हम सभी सब्जेक्ट जो हमारी आवश्यकता है उसके अनुरूप हम उनको तैयार करा रहे हैं। और इसके अलावा हमारा प्रयास ये भी है कि 6वीं 7वीं 8वीं जो हमारे वर्चुअल स्कूल में अभी आच्छादित नहीं हुए हैं उनके छोटे छोटे वीडियोज़ हम ग्रीन बोर्ड पर बना करके, चूँकि इस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर सभी वीडियो संभव नहीं है तो ग्रीन बोर्ड पर बना करके वो छोटे छोटे वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम बच्चों को उपलब्ध कराएँ। और जो हमारा ये वर्चुअल क्लासेज है
वो उस पर उसके माध्यम से उन बच्चों तक हम पहुंच करके उनको शिक्षा दे सकें और उनका मूल्यांकन कर सकें। और जो वीडियो हमारे प्रदेश स्तर से प्रसारित हो रहे हैं वो सभी वीडियोज हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध हैं। बच्चे अगर उनको चाहें, किन्हीं कारणों से अगर वो समय से टीवी नहीं देख पाते हैं तो वो यूट्यूब चैनल पर जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। सर, आज बैठक भी की है, किसके साथ बैठक हुआ? हमने आज कुछ प्रिंसिपल्स को बुलाया था क्योंकि इसकी हमें ये जानकारी थी कि अभी हम सभी बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनके यहाँ टीवी है उनके तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर टीवी नहीं है तो वो तो एक मजबूरी है, तो प्रयास हम ये कर रहे हैं कि हम सबको इसका प्रचार प्रसार जितना हो जाए और हमारे टीचर इसमें इंटरेस्ट लें, हमारे प्रिंसिपल इसमें इंटरेस्ट लें, ताकि हम उनसे सबको जुड़ करके उनको शिक्षा दे सकें। वर्चुअल क्लासेस जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन है जो मंडलीय स्तर के हैं, उनके प्रयास और उनकी टीम और प्राइवेट जो सेंट पॉल्स इंस्टीट्यूशन है, इन दोनों ने मिलकर इसको अभी स्केल अप किया है। कोरोना काल में जो एजुकेशन में जो एक डिसरप्शन आई है या बाधिता आई है उसको ओवरकम करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है और हम लोग अब मिलकर इसको हर बच्चे तक पहुँचाएंगे ताकि किसी की भी जो इस काल में है पढ़ाई पीछे ना रहे बल्कि पहले से ज़्यादा बेहतर हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। उच्च और प्राथमिक विद्यालयों में भी जो क्या ऐसे प्रावधान लाए जाएंगे? हाँ, लाए जाएंगे, पक्का लाए जाएंगे और हम लोग मिलकर टीम बना के इसमें काम करेंगे और हम लाएंगे इसको एजुकेशन। जो भी पहले जो पढ़ाई चल रही थी जो अभी चल रहे थे, इसमें क्या है कि जैसे अभी टीचर बच्चे स्कूल में नहीं आ पा रहे तो हम बच्चों तक पहुंच रहे हैं, उनके घर में पहुंच रहे हैं जो भी हमारे पास माध्यम है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी जो अपना DD चैनल है उसमें भी उसको बहुत बड़ा विस्तार से उसका प्रोग्राम जारी किया गया है और उसको हम लोग इंश्योर करेंगे कि हर बच्चा उसको देखे। सर, कोरोना देखते हुए क्या जो बच्चे बच्चों के लिए भी कोई इस तरह का गाइडलाइन जारी किया गया? नहीं, कोरोना काल में जो प्रिकॉशन है बच्चों को तो लगातार बताया जा रहा है और उनके टीचर अभिभावकों को कॉन्टैक्ट करके कि कोरोना से कैसे बचना है वो चीज़ें बताई जा रही हैं।